150 सीसी बाइक सेगमेंट पे इंडियन मार्केट पे बहुत सारे ऑप्शन है, बट अगर आप थोड़ा हटके बाइक ढूंढ रहे हो तो यामा FZX 150 एक अलग ऑप्शन बन सकता है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ यामाहा FZX 150 की एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। इस वीडियो पे आज हम देखेंगे 2023 पे बाइक पे क्या कुछ फीचर्स मिल रहा है। फिलहाल इस बाइक की कोलकाता एक शोरूम प्राइस पड़ेगा 1,38,200 रुपीस एंड टोटल 3 कलर वेरियंट अवेलेबल मिलेगा, मैट ब्लू, मैट ब्लैक एंड मैट कॉपर। और आज मेरे पास रिव्यू के लिए मैट ब्लू कलर अवेलेबल है। स्पेशल थैंक्स टू ग्लोरी यामाहा को जिन्होंने ये बाइक मुझे रिव्यू के लिए दिए हैं। बाइक की ऑन रोड प्राइस, EMI स्कीम्स एंड ऑफर्स के बारे में और डिटेल्स जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए शोरूम के कॉन्टैक्ट नंबर पे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AN मोटो एक्सपो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही बाइक्स के अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों, ये है आपके सामने 2023 यामाहा FZX 150 सीसी बाइक सेगमेंट पे जितनी भी बाइक है उस लिस्ट में ये एक यूनिक लुकिंग डिजाइन है। बाकी आप मुझे कमेंट पे बताइए आपको इस बाइक की लुक्स कैसा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडलैम्प की बात की जाए तो यहाँ BI फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ LED DRL के साथ देखने को मिल जाएगा। LED होने के वजह से लाइटिंग थ्रो काफी बढ़िया मिलता है जिसलिए नाइट टाइम रोड विजिबिलिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी के साथ बाइक पे सेमी फ्लेक्सिबल क्लियर लेंस LED इंडिकेटर मिल रहा है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो 41mm टेलीस्कोपिक फोर्क इनर ट्यूब डायमीटर विथ फोर्क बूट के साथ मिल जाते हैं। यहाँ फ्रंट फेंडर पे सिल्वर मैट फिनिश लॉकर देखने को मिलेंगे। और फ्रंट टायर की बात करें तो 100x80 सेक्शन का 17 इंच ट्यूबलेस टायर 282mm डिक्स बाइब्रे के तरफ से ऑफर की गई है। बाइक पे आपको सिंगल चैनल ABS की सुविधा देखने को मिलेगी। दोस्तों, बाइक पे गोल्डन कलर की रिम्स मिलते हैं जो देखने में काफी प्रीमियम लग रहा है। फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पे FZX की 3D एम्ब्लेम मिल जाएगा। यहाँ टैंक के ऊपर मैट ब्लू के साथ मैट ब्लैक डुअल टोन कलर नजर आएगा। यहाँ टैंक के फ्रंट पोर्शन पे इग्निशन की माउंटेड है। बाइक की कीज काफी प्रकार इस टाइप का है और इसी के साथ बाइक पे 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। ग्रैब ग्रिल की बात करें तो पीछे ग्लॉसी ब्लैक कलर की सिंगल पीस स्लिक ग्रैब ग्रिल मिल जाते हैं और इसी के साथ पीछे स्लिक LED टेल लैंप सेटअप के साथ सेमी फ्लेक्सिबल क्लियर लेंस इंडिकेटर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो इस बाइक पे 149 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOHC 2 वाल्व FI BS6 OBD2 कंप्लाइंट एयर कूल्ड इंजन यूज किया गया है जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा 12.4 PS एट 7250 RPM पर एंड मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी 13.3 न्यूटन मीटर एट 5500 RPM पर। बाइक पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ इंजन के नीचे मेटल टाइप अंडर काउलिंग मिल रहा है और इसी के साथ बाइक पे सिंगल बैरल एग्जॉस्ट विथ ब्लैक मफलर कवर के साथ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस FZX 150 की एग्जॉस्ट नोट एक बार सुनते हैं। बात करें रियर प्रोफाइल की तो यहाँ पीछे साड़ी गार्ड एंड टायर हगर मिल जाते हैं। और रियर टायर की बात करें तो 140x60 सेक्शन का 17 इंच रेडियल ट्यूबलेस टायर 220mm डिस्क निसिन के तरफ से ऑफर किया गया है और इसी के साथ पीछे 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिल जाएगी। यहाँ पिलियन के लिए एल्यूमिनियम फुटपेग्स दिया गया है। सीट की बात करें तो इस बाइक पे आपको 2 लेवल सीट विथ टक एंड रोल डिजाइन के साथ मिल रहा है। सीट की क्वालिटी ठीक ठाक है एंड कुशनिंग सिटी राइड को ध्यान रखते हुए थोड़ा सॉफ्टर साइड है। फ्रेंड्स, मीटर कंसोल को देखेंगे तो यहाँ मल्टी फंक्शन नेगेटिव LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ कुछ टेलटेल लाइट्स मिल जाएगा जैसे टर्न इंडिकेटर, हाई बीम लाइट, न्यूट्रल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन मैलफंक्शन लाइट, ABS इंडिकेटर मिल जाएंगे। और इस MID के अंदर यहाँ टैकोमीटर, स्पीडोमीटर,
फ्यूल लेवल चेक कर सकते हैं और इस बटन को टॉगल करके क्लॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप एफ चेंज कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ यामाहा की बैजिंग मिल जाएगी। दोस्तों बाइक पे सिंगल पीस पाइप टाइप ब्लैक कलर की हैंडल बार यूज किया गया है। हैंडल बार की पोजीशन थोड़ा अपराइट है, इसलिए आपको एक स्ट्रेस फ्री राइडिंग पोस्चर दे देगा। लॉन्ग राइड पे आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। स्विच गियर क्वालिटी काफी प्रीमियम है। लेफ्ट हैंडल बार पे पास बटन, हेडलैम्प ऑन ऑफ, अपर डिपर, टर्नर एंड हॉर्न बटन मिल जाएगी। एंड राइट हैंडल बार पे इंजन किल एंड सेल्फ स्टार्ट बटन मिल जाएगा। हैंडल बार की ग्रिप मुझे ठीक ठाक लगा एंड मिरर की क्वालिटी डिसेंट है। फ्रेंड्स बाइक पे 12 वोल्ट 4 एम्पीयर की मेंटेनेंस फ्री बैटरी यूज किया गया है। बाइक की सीट हाइट 810 mm, जो 5.5 फीट राइडर काफी आराम से चला पाएंगे। बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, जो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से सही है। बाइक की कर्व वेट 139 kg, जो काफी लाइट वेट है। बाइक की लेंथ 2020 mm विथ 785 mm एंड ओवरऑल हाइट 1115 mm। इसी के साथ बाइक पे डायमंड फ्रेम देखने को मिल जाएगा। टॉप स्पीड की बात करें तो 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपको इस बाइक से देखने को मिल जाएगा। और माइलेज की बात करें तो 45 टू 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको इस बाइक से मिल जाएगी। 0 to 100 इस बाइक की एक्सेलरेशन टाइम है 15 सेकंड। कंपटीशन की बात की जाए तो सुजुकी जिक्सर 150, बजाज पल्सर N150, टीवीएस अपाची आरटीआर 164B, हीरो एक्सट्रीम 164B जैसे बाइक इसके मेन कंपटीटर है। प्रोस की बात करें तो जैसे ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी एंड गुड माइलेज जैसे बेनिफिट आपको इस बाइक पे मिल जाएगा। और कॉन्स की बात करें तो सिंगल चैनल ABS एंड अंडर पावर्ड इंजिन मुझे थोड़ा डाउनसाइड लगा। सो ओवरऑल यामाहा FZS 150 मैट ब्लू कलर आपको कैसा लगा और आपको इस बाइक पे कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट पे जरूर बताएं। तो आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी अपडेटेड वीडियोस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड इन AN मोटो एक्सपो।